नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा से है, जहां भाजपा प्रत्याशी पूनम सरोज का केंद्रीय कार्यालय मोहम्मदाबाद पर जबरदस्त स्वागत कर पद यात्रा जुलूस निकाला गया। भाजपा प्रत्याशी पूनम सरोज संपति डॉक्टर उमेश कुमार सरोज ने चौक पर स्थित मंदिर में माथा टेक आशीर्वाद लिया एवं पदयात्रा कर पूरे बाजार वासियों से कमल के फूल पर वोट डालने को कहा, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं संग बाजार वासियों नौजवान बूढ़े महिला पुरुष सभी प्रत्याशी महिला के साथ चलने लगे। भारी संख्या में इस जुलूस को देखकर अन्य पार्टी व प्रत्याशियों को एक बार सोचने के लिए विवश कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी के साथ उमड़ता हुआ जनसैलाब देखकर विरोधियों को रोंगटे खड़े होने लगे हैं। भाजपा की युवा प्रत्याशी समाज सेवी अभिनेत्री पूनम सरोज प्रतिदिन अपने विधानसभा में डोर टू डोर घूमने के साथ ही आज अपने समर्थकों के साथ भारी मात्रा में मोहम्मदाबाद गोहना 355 में जुलूस निकालने का काम किया है। इन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर एक बार फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास हो सके। इन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार में गरीब लाचार पिछड़ों का भला होने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि सपा सरकार में गुंडे माफिया अपराधियों को शरण मिलता है और हमारी भाजपा सरकार में उनका पता नहीं चलता है और हमारी सरकार हु सभी माफियाओं पर अंकुश लगा सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कमल के फूल पर भारी संख्या में मतदान करे महिला प्रत्याशी ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा और बेरोजगारी पर बेहतर काम कर रही है, जिससे कि लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और इस बार भी मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की जनता ने एक बार फिर मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में कमल खिला करके योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया है।